सुप्रीम कोर्ट लाहौर में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने कब्जा ग्रुप मंशा बम केस पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये मंशा बम कौन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तफसार पर एसपी माज जफर ने अदालत को आगाह किया कि मंशा बम जौहर टाउन का एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। आपके हुक्म के मुताबिक कार्रवाई शुरू की गयी तो सिफारिशों के फोन कॉल्स आना शुरू हो गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिफारिशों के लिए किस किसने फोन किया। माज जफर ने बताया कि मंशा बम की गिरफ्तारी रोकने के लिए पीटीआई के एमएनए मलिक करामत खोखर ने दरख्वास्त की है। दरख्वास्त दायर करने के बायस करामत खोखर अदालत के हुक्म पर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि पीटीआई ने बदमाशी के काम कब से शुरू कर दिए, नया पाकिस्तान क्या बदमाशों का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के एमएनए करामत खोखर को अदालत में झूठ बोलने पर नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ साथ पुलिस को मंशा बम कब्जा ग्रुप को गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी कर दिया। हिना सदफ 25 न्यूज लाहौर।